वेलकम टू माय चैनल, आपका स्वागत है मेरे चैनल नेहा बेस्ट व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा मेकअप का एक लुक आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपना। थोड़ा बहुत मुझे मेकअप आता है, नॉट बहुत ही ज़्यादा, बट आप करवा चौथ पे या दिवाली पे हल्का मेकअप इस टाइप का कर सकते हैं, तो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए करते हैं मेकअप। हाय फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कलर बार का प्राइमर लगाया है पूरे फेस पे अच्छे से। आप इसको ब्लेंड कर लीजिए, इससे स्किन बहुत हाइड्रेट रहती है आपकी और आपको स्वेटिंग नहीं होती है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे मेबलिन का कंसीलर लगा रही हूँ अंडर आईज़ में, क्योंकि मेरे थोड़े डार्क सर्कल हैं और बाकी जहाँ पे मेरा थोड़ा ब्लैक ब्लैक ब्लेमिशेस हैं वहाँ पे मैं हल्का हल्का लगा दूँगी टी जोन में, क्योंकि टी जोन में हमें ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो और बाकी मैं आईज़ में भी लगा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे मुझे आई शेडो लगाना है। उसके बाद आप इसे ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से डैप डैप करके पूरे फेस पे स्प्रेड कर लें ठीक से। मैं एक लूज़ पाउडर अपने अंडर आईज़ और पूरे फेस पे मैं इसको अप्लाई करूँगी ताकि फेस में एक अच्छा सा ग्लो आ जाए। ये बनाना पाउडर है, आपको ये अमेज़ॉन पे इजीली मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का HD फाउंडेशन लगा रही हूँ। इसको आप बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा लगाना है फेस पे, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है हमें फाउंडेशन। और स्किन पे इसे डैब डैब करना है आपको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, अच्छे से पूरे फेस पे ब्लेंड करना है आपको ताकि एक अच्छा सा आपका बेस बन जाए। अब मैं यहाँ पे मेबलिन का फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ। वो आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, अपने कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से। तो मेरे स्किन के हिसाब से ये है, तो अब इसको भी अच्छे से लगा लेंगे अपने फेस पे। और अब मैं यहाँ पे मेरे पास मेबलिन का ही सुपर ब्लैक काजल है, उसकी हेल्प से मैं स्मोकी टाइप ये आईज़ कर रही हूँ अपनी। ये बिगनर्स के लिए बहुत इजी होगा लगाना, क्योंकि इसके बाद मैं इसके ऊपर आई शेडो भी अप्लाई करूँगी। तो आप इस काजल को अपनी आईलेट पे पूरे उस पर लगा के, अब मैं ये मेकअप ब्रश से इसको थोड़ा स्प्रेड कर रही हूँ ताकि वो जहाँ जहाँ पे भी थोड़ा ज़्यादा है तो वो इवनली हो जाए। अब मेरे पास यहाँ पे स्विस ब्यूटी की ही एक पैलेट है, तो अब मैं उसमें से ब्लैक कलर ही लेके उसको भी इसके ऊपर काजल के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ ताकि थोड़ा अच्छा सा लुक आए। और अब मैंने उसी पैलेट में से गोल्डन कलर लिया है और उसको आपको इसके ऊपर ही अप्लाई करना है, जहाँ पे आपने काजल लगाया उसके ऊपर ही आपको इस आई शेडो को आपको अप्लाई करना है दोनों आईज़ में। इसमें जो भी काजल अप्लाई करते हैं वो आप अप्लाई कर लीजिए। मैं यहाँ पे मेबलिन का सुपर ब्लैक काजल अप्लाई कर रही हूँ अपनी आईज़ में। और उसके बाद मैंने यहाँ पे मिस क्लेरे का पर्ल आईलाइनर लिया है, इससे आपकी आईज़ पे एक अलग ही शाइन आएगी। और ये काफ़ी पिगमेंटेड है और काफ़ी अच्छा है, शाइनी शाइनी सा है, तो आपकी आईज़ काफ़ी स्पार्कल सी लगेंगी इससे। अब मैं यहाँ पे लॉरियल का ब्लश ले रखा है मैंने यहाँ पे, और मैं लॉरियल के ब्रश से इसको अपनी चीक्स पे, चीक बोन पे मुझे अप्लाई करना है। और मैं जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे,
उसके बाद जो मेरे पास ये पैलेट थी स्विस ब्यूटी की, उसी में एक ब्लैक कलर है, मैं आपको दिखा भी रही हूँ, उसी ब्लैक कलर से मैं अपनी आईब्रो फिल कर रही हूँ, क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ पैलेट होती है, इसके आप काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसी में से एक मेटल सा कलर है, उससे मैं अपना हाईलाइट कर रही हूँ अपनी चीक्स पे, इसी पैलेट में से ये कलर लिया है मैंने, और इसको मैं अपने नोज़ पे, टी जोन पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, जिससे कि फेस पे बहुत अच्छा सा ग्लो आ जाए। अब मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक ली है, जो कि ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, और ये रेड कलर है, प्रॉपर रेड कलर, जो कि बहुत ही ब्राइट सा है। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्टोन वाली बिंदी लगा रही हूँ, और ये है लैक्मे का ही सिंदूर, तो ये झुमकी मुझे बहुत फेवरेट है मेरी, तो अब मैंने पहन रही हूँ पार्टी वेयर लुक देने के लिए। तो बस अब मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है।